नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। अब राजद के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक और भी ज़्यादा संख्या में बनाने के लिए आपको बता दें कि राजद की ओर से एक मुहिम चलाई जा रही है। आपको बता दें कि अब जो है जो 1 करोड़ जो है, यानी कि अभी वर्तमान में 86 लाख राजद के एक्टिव मेंबर हैं, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों तक एक हर पंचायत स्तर पर जो है अपनी पकड़ बनाने के लिए राजद के कार्यकर्ताओं को करीब 14 लाख और लोगों को जोड़ना है। ऐसे में बता दें कि राजद कार्यालय में आज एक बैठक होनी, जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद समेत तमाम जो बड़े नेता हैं उन्हें बुलाया गया है और इस बात पर समीक्षा की जाए कि कैसे आखिर राजद को 1 करोड़ कार्यकर्ताओं, यानी कि राजद के 1 करोड़ कार्यकर्ता कैसे हो, तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। तमाम चीज़ों को लेकर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला ठाकुर, साथ ही साथ प्रदेश महासचिव विजय लक्ष्मी साहू का क्या कुछ कहना पूरे मामले को लेकर के, आइए आपको हम सुनाते हैं। देखिए, हम लोगों की पार्टी तो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, मास पार्टी हमारी पार्टी है, और जब गांव गमय जमीनी स्तर तक जाएंगे तो आपको राजद ही राजद दिखाई पड़ेंगे। बाकी जो डबल इंजन की सरकार है, बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ शहर में ढिढोरा पीटते हैं, और वो लोग जब भी मीटिंग सीटिंग करते हैं तो हायर कर करके लोगों को लाते हैं। जमीनी स्तर से हमारे साथ जो भी लोग हैं वो दिल से जुड़े हुए हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के साथ, आदरणीय जो बिहार के भावी युवाओं के आइकॉन हैं और बिहार का भविष्य हैं, जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री है आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय जगताप बाबू, इन लोगों के आह्वान पे जो है हम जो कार्यकर्ता हैं सभी विंग के वो पार्टी की सदस्यता अभियान में पूरे जोर शोर, पूरे जोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ इसको एक महापर्व के रूप में हम लोग लिए हैं, और इस महापर्व के लिए हम सभी लोग एक्टिव हो गए हैं। और जो 86 लाख की जहाँ तक जनसंख्या है, 12 करोड़ जनता है, उसमें से 1 करोड़ बना रहे तो कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं। और हमारी तो उतना वोटर्स भी है, और ऐसे भी वोट जो गिरी थी, आपको याद होगी 2020 में जब विधानसभा की चुनाव हुई थी, उस चुनाव में 1 करोड़ 56 लाख हमें वोट मिला है, और 1 करोड़ 78 लाख मात्र जो है हमारे जो विरोधी या जो माने मिला है उनको वोट, जिसमें 12,000 वोट जो है इतना बेईमानी के बाद भी मात्र 12,000 वोट से हम लोग से आगे हैं। तो 1 करोड़ जो हम लोगों का टारगेट में है कि हम 1 करोड़ कम से कम बनावे, तो ये कौन सी बड़ी बात है, तो कम से कम है हम लोग। कार्यकर्ता की संख्या देखिए तो सबसे ज्यादा राजद की ही है, बिल्कुल राजद भी सत्ता में नहीं आ पाए, क्या लगता है? मतलब राजद से प्रेमो पटना आने वाले बहुत जल्द, उनके आने से पहले कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कभी भी सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए राजनीति, हमारे आदरणीय नेता अगर कुर्सी के लिए राजनीति करते तो जेल में नहीं रहते, जेल से बाहर होते, और आदरणीय हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री होते। हमारे नेता ने कभी भी कुर्सी से समझौता नहीं किए हैं, सत्ता से समझौता नहीं किए, हमेशा जन सरोकार के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज़ को बुलंद किए हैं। इसलिए जो है ये नहीं है कि हमारे आदरणीय नेता को बेल हो गया है, तो स्वाभाविक है जनता के साथ साथ सभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आदेश पे यहाँ पे देखा जा रहा है कि 86 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ यानी 14 लाख और कार्यकर्ताओं को जोड़ना है जी। ऐसे में ग्रामीण स्तर पर कैसे काम करेंगे? वहाँ पे खुद लोग आते हैं और हमारे प्रतिपक्ष नेता के बारे में जानना चाहते हैं और उनसे जुड़ना चाहते हैं। हम लोग को इतना गाँव में मेहनत भी नहीं करना पड़ता जितना शहर बाजार में करना पड़ता। हर एक चाहते हैं कि मैं राजद से जुड़ूं और मैं काम करूं अच्छे से, और जहां तक हमारी तेजस्वी जी हैं ए से जेड तक की बातें करते हैं, आप देखते होंगे कि कोई भी प्रोग्राम है, हाँ तो हम लोग को उतना मेहनत नहीं करना पड़ता होगा कि गाड़ी भर भर के लाना पड़ता होगा पैसे दे के, हम लोग को तो वो भी नहीं करना पड़ता, वो खुद जुड़ना चाहते हैं, खुद आना चाहते हैं। हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी आ रहे हैं, उनसे कितनी लोग की आशाएँ जुड़ी रहती हैं और कितनी खुशी भी होती है हम लोगों की, नहीं आ रहे हैं, और आने से पार्टी हर एक पार्टी को जो है ना कालबली सी हो जाती है। वो आप सोचो कितने उम्र के हो गए हैं, लेकिन फिर भी हर पार्टी में एक खलबली सी हो जाती है कि लालू यादव जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, अब क्या होगा। पार्टी के पलटने तक का जो है, अभी भी इतने उम्र हो गए हैं फिर भी वो दम रखते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के नाम लेते ही लोगों में जोश आ जाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन राजद जब चुनाव में जाता है तो 15 साल की सत्ता से बाहर, क्या लगता है कौन ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर क्या वजह से सपोर्ट नहीं करते? अब मैं बिल्कुल बताती हूँ, देखिए अभी जो नीतीश सरकार चल रही है आप देखते होंगे, ये पब्लिक की सरकार नहीं है, ये
शासन जो है वो आम जन से हट कर है। आप देखोगे कहीं भी जाओगे तो वहाँ काम आपके होने के लिए जो होगी तो आपको कितना परिश्रम करना पड़ता है, कोई वैल्यू नहीं देता है। आप जाओगे तो ऐसे तो पहले नहीं हुआ करता था, तो इस वजह से आप सुने होंगे कि अगले बार इलेक्शन में आपने कन्फर्म सुन लिया होगा कि हमारे प्रतिपक्ष नेता ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आपने सुना। लेकिन लास्ट टाइम पे ऐसा क्यों हुआ जो कि नीतीश कुमार बन गए, जबकि हम लोग के जितने भी आप देखे होंगे कि जितने भी विधायक जीते हैं हम लोग के कार्यकर्ता में उत्साह था उस टाइम, पूरी चांसेस थी, लेकिन लास्ट समय पे ऐसा क्या हो गया। तो आपने सुना साफ तौर पे उर्मिला ठाकुर जो कि राजद की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है, साथ ही साथ प्रदेश महासचिव विजय लक्ष्मी साहू का साफ तौर पर कहना है कि ग्रामीण स्तर पर भी लोग राजद से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले से भी राजद के नाम पे जो लोग हैं काफ़ी उत्साहित होते, लेकिन फिर भी सरकार में क्यों नहीं आ पाती, तमाम चीज़ों को लेके जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला ठाकुर और विजय लक्ष्मी साहू जो कि प्रदेश महासचिव राजद में सह पूर्व मुखिया भी रह चुकी हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने साफ तौर पर। सुना आपने, तो आप इसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें लाइव इंडिया।